हमारा कमरा है, ये ताला लगा था, ताला में भी मारने की कोशिश किया, ताला टूटा नहीं था, तो इसमें ये जाली ऐसी लगी थी, यहाँ से उखाड़ के वो अंदर गया, तो वहाँ से हमारे बैग में ही थे, कौन से वो थे ट्रंक में बैग शेग, दो तीन बैग थे, वो सारे निकाल के कपड़े कुपड़े सारे फैला के लेके, यानी इस बारी में से चोर अंदर गया, उसने इसी बारी में से बारी से अंदर गया, यहीं से आया, ये भी पड़े थे सामान हमारे इधर रखे थे, इनसे ही इसने जाली को तोड़ा। इस ब्रह्मकुंड मंदिर में 15-16 साल से काम कर रहा हूँ पुजारी का, तो ये हमारे रहने के कमरे हैं, यहाँ मंदिर है। कल हम 3 तारीख को वहाँ गए थे भोजन करने गए थे, दोपहर 1:30 बज रहा था, तो जब हम आए तो ये जाली तोड़ के अंदर बाढ़ के हमारा 9200 रुपया बाकी सामान सामान इधर उधर करके सारा ले गया चोर ने, चुरा के सब। चोर का पता किया आपने, चोर काबू कर लिया है? हाँ जी, चोर काबू करके रखे है, अभी पुलिस ने पकड़ के ले लिया, पुलिस 3 नंबर थाने। तो सर की मसला की है जी? मसला है अमली या नशेड़ी नशुड़ी या सर जी? तो क्यों लेके जा रहे हो? कहते चोरी या की है, पैसे कटे। तो सर इन्हें कबूले है? ये तो दफ्तर मुताबिक किया, पूछ रही है, कार्रवाई कर रही है। सर आपकी खुद की कह रहे हैं? आप इन पब्लिक किन्ने पैसे दी? पैसे कितने गए? लकी क्यों नहीं दिता? कड़े लकी मुंडा है गाजी पहले कौन कितने रहने वाला? काजू मंडी में कोई रहने वाला। चोरी जड़ी है क्यों कितने कितनी है? मंदर को की लोड पैगी सी तन चोरी करने दी? कड़े नशे करना करना 500 पंडित जी का लिखता है 900 ही लेना है।